स्टूडेंट्स, माइसेल्फ शैलेश मौर्य और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि वेयर डज रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस कहां कहां पे हो सकता है। अपने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि रेजोनेंस होता क्या है और उसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम ये समझेंगे कि रेजोनेंस कहां कहां पे होता है, यानी इनडायरेक्टली हम बात किसी करने जा रहे हैं आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि वेयर डस रेजोनेंस टेक्स प्लेस, कहां पे रेजोनेंस का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में तो हमने ये समझ लिया था कि रेजोनेंस होता क्या है, अगर होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी चीजों का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपका रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जो भी आपका रेजोनेंस का फिनोमिना होता है ये आपका वर्क करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के अंदर। ये कहाँ पे वर्क करता है आपका, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब बात आता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका एक पैरेलल पी ऑर्बिटल का सिस्टम्स होता है जिसमें एटलीस्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए नेगेटिव चार्ज का, तो उसको हम इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम 5-6 टाइप का होता है और वहीं से हमारा सारा काम हो जाता है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द यूज किया हमने पैरेलल पी ऑर्बिटल, तो यानी यहाँ से अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल पैरेलल होंगे तभी रेजोनेंस होगा, यानी पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल होंगे तभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, यानी तभी रेजोनेंस होगा। अगर पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो पाए तो वहां पे रेजोनेंस का फिनोमेना भी नहीं हो पाएगा। यानी इस लाइन का इनडायरेक्टली मीनिंग होता है कि जो भी आपका सिस्टम होना चाहिए वो प्लैनर सिस्टम होना चाहिए, अगर सिस्टम की प्लैनिटी लूज कर जाएगी तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एक इनडायरेक्ट सा मतलब क्या है इस लाइन का, पैरेलल पी ऑर्बिटल का, कि सिस्टम मस्ट बी प्लैनर। तो फिलहाल हमको प्लैनरिटी की चिंता नहीं करनी है, उसको हम बाद में समझेंगे कि कहां प्लैनरिटी डिस्टर्ब जाती है, कैसे, किस तरीके से, लेकिन फिलहाल ये हमारी डेफिनेशन है पैरेलल पी ऑर्बिटल विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। तो ऐसा है, हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं वो बेसिकली यही 5-6 टाइप के होते हैं। हम एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको एक एक करके हम सभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझेंगे। पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर। डबल सिंगल क्या है, लोन पेयर, इस तरह से लिखें या इसको दो डॉट से शो करते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर। चौथा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो सकता है हमारे पास, डबल सिंगल, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, ये क्या हो जाए, फ्री रेडिकल हो जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है आपका डबल सिंगल डबल। ठीक है, और कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है हमारे पास, एक लास्ट ऐसा कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जिसके बगल में कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हो, क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जिसके बगल में लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हो जाए। और क्या सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो, नेगेटिव चार्ज जिसके बगल में क्या प्रेजेंट हो जाए, आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। नेगेटिव चार्ज जिसके बगल में क्या प्रेजेंट हो जाए, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाए। तो बेसिकली यही आपके इतने तरह के सिस्टम्स हैं जिसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की कैटेगरी में रखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज जिसके बगल में लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज जिसके बगल में वेकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा, एक जो कॉमन सा डाउट आता है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज,
क्या ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज नहीं, प्लस माइनस चार्ज आपस में जहां कहीं भी होंगे वो तुरंत बॉन्ड बना लेंगे उस तरीके से, क्योंकि आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर केस में इसको एज सच रखना काफी डिफिकल्ट काम है, काफी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम और इसीलिए इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक एक करके इन्हीं सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, पाई सिंगल प्लस चार्ज, ठीक है ना, या डबल सिंगल प्लस चार्ज, इस टाइप से। तो एक एक करके इसको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस अगर हमको अच्छे से आ जाएगा तो आगे की कोई भी मैकेनिज्म लिखने में हमको कभी कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। तो इसको समझते हैं एक बार, पहला हमारे पास क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल प्लस चार्ज। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है हमारे पास आपका अलाइल कार्बोकेटायन का, एलाइल कार्बोकेटायन मतलब ऐसा कार्बोकेटायन जो डबल बॉन्ड के बगल में प्रेजेंट होता है, जैसे ये देख लो आप CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया आपका CH2+। जरा सा इस चीज को इससे मैच करके देखो, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या जा रहा है, प्लस चार्ज आ जा रहा है। तो ये कैसा सिस्टम है आपका, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल प्लस चार्ज। तो यहाँ पे किसका फिनोमेना होगा, यहाँ पे होगा रेजोनेंस का फिनोमेना। जरा ध्यान से देखो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था वैसे ही ट्रिक से तुरंत हो जाएगा आपका। अगर आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस बॉन्ड को जरा ध्यान से समझो, ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड आपके दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसका प्रेजेंट होगा। मैं क्या कहता हूँ कि आप इस बॉन्ड को इस तरीके से इधर शिफ्ट कर दो, ये जो बॉन्ड है इसको इस तरीके से आप इधर शिफ्ट करा दो। तो इसको अगर आप शिफ्ट कराओगे इस तरीके से करा के, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को इस तरह से पकड़ो और इस तरीके से रोटेट करा दो तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड हटके ये बॉन्ड कुछ इधर बन जाएगा, तो अब इधर एक इलेक्ट्रॉन तो तुरंत हो जाएगा, इधर एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ये खत्म हो जाएगा। क्यों भाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन की तो वैलेंसी फुलफिल्ड है ना, क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले हैं और ये दो बॉन्ड बन गए, तो यानी इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा खत्म। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और वो उस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ से गया तो अब प्लस चार्ज क्या जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा सही से इस तरीके से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा। यानी आपका अगर हम यहाँ पे इसका पहले वाला स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से था CH2CH, फिर यहाँ पे क्या लगा था CH2+, ये आपका रेजोनेंस करके क्या किया इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया। हमने आपको पहले भी समझाया था कि रेजोनेंस को हमेशा ये डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से इधर शिफ्ट कर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल गया। अच्छा, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मतलब शो करना हो, जैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट इधर से इधर शो कर रहे हैं, तो इसको एक कर्व्ड एरो से शो करते हैं। हम किससे शो करते हैं, इस तरह से कर्व्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा आपका है, आपको जब भी किसी पाई इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट को शो करना है तो आप उसको किस तरह शो करोगे, कर्व्ड एरो से, स्ट्रेट एरो नहीं, कर्व्ड एरो ही होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी चीज होगी। अच्छा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये है पहले सिग्मा स्केलेटन बना लो इसका, सिग्मा स्केलेटन बना लो, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था CH2CH2। अब देखो कभी डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, फिर नेक्स्ट टाइम मूव करके उधर चला जा रहा है, तो डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से होगा, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, प्लस चार्ज के ऊपर बोलो, प्लस चार्ज कभी यहाँ पे प्रेजेंट है, कभी प्लस चार्ज उधर प्रेजेंट है, यानी वही प्लस चार्ज है वो कभी यहाँ पे प्रेजेंट है या कभी यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो हमने देखो किस तरह से किया, पहले सिग्मा स्केलेटन बना लिया, फिर देखा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कभी इधर प्रेजेंट है कभी इधर, तो हमने उसको इस तरह से डॉटेड लाइन से शो किया। ये क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड मूविंग कंडीशन में। सिग्मा प्लस चार्ज में शो किया, कभी प्लस चार्ज यहाँ है कभी प्लस चार्ज वहाँ, तो हमने उसको डेल्टा प्लस से शो किया, मतलब ये मूव कर रहा है इस कार्बन इस कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे आपका, इसको हम बोलेंगे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें ये हो गई। अब कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये बॉन्ड इधर से इधर मूव ही क्यों करेगा, सर आपने ऐसा किया ही क्यों, ये बॉन्ड यहाँ पे बेचारा पड़ा हुआ, आपने क्यों इसको बेमतलब का मूव करा दिया। तो आप ये देखो, इसको इस तरह से समझो आप कि अगर कहीं पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, चार्ज क्या होता है, अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में आराम से रहना चाहता है, वो कोई अपने ऊपर चार्ज को लेके बर्डन नहीं लेना चाहता, तो हर मॉलिक्यूल क्या रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है। तो अब भाई साहब पहले इसी के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आपने दे दिया था, सारा का सारा प्लस चार्ज इसी मॉलिक्यूल के माथे के ऊपर था। अब क्या हुआ, जब इसने ये रेजोनेंस कर लिया इस तरीके से, तो इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा इस भाई ने भी इसका ले लिया, तो आप देख रहे हो कि अब प्लस चार्ज थोड़ा थोड़ा बट गया, तो पहले से तो थोड़ा आराम हुआ इस मॉलिक्यूल को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहना चाहता है, वो अपने ऊपर चार्जेस का बर्डन लेके नहीं रहना चाहता है, तो इसीलिए अगर वो रेजोनेंस करेगा तो चार्ज का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये आपका स्टेबिलिटी के फैक्टर की वजह से ही हो रहा, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो पाए हमारी, इंक्रीज हो पाए, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है ये समझ में आ गया। एक बार इसका हम एक बार ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लेते हैं, ताकि हमको ये और अच्छे से आ जाए। इसी चीज़ का एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम थोड़े से और एग्जाम्पल की तरफ आपका प्रोसीड करेंगे। देखते हैं इसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। देखो जरा सा, ये है पहले सिग्मा स्केलेटन बना लो, CH2, ये हो गया CH, फिर यहाँ पे था ये CH2, इन दोनों बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ था, ये हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये बेचारे के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल था, तो इसको हाँ ये CH2, और यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज था, इधर पाई बॉन्ड आपका क्या था, इस तरीके से बना हुआ था, ये पाई बॉन्ड बना हुआ था और इधर इसके पास वेकेंट पी था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड इधर बना था, अगले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा, इस तरफ पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन जो ये CH2 था जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए तो फिर भाई साहब इधर बन जाएगा पाई बॉन्ड आपका। जब इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो अब हो जाएंगे ये आपके भूखे प्यासे, जब ये हो गए भूखे प्यासे तो इनके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इसको आप इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम से भी शो कर सकते हो। ज़्यादा आसान तरीका क्या है, जस्ट ऐसे उठा इस तरह से मूव करो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, वो वाले के ऊपर एक नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस था एक इलेक्ट्रॉन आ रहा गया, प्लस माइनस मिलकर क्या कर दिया न्यूट्रल, इसीलिए ये समझ लो आप। जैसे देखो कोई एटम ए डबल बॉन्ड बी इस तरीके से सी बना हुआ है, मान लो इस तरीके से है, आप इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जा रहे हो, तो इन भाई साहब से आप इलेक्ट्रॉन खींच के उधर ले जा रहे हो, तो इन भाई साहब के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये बी, फिर ये डबल बॉन्ड। अब इसके सी के पास तो एक ही बॉन्ड था बना हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, इनका भी इलेक्ट्रॉन उनको ले आके दे दिया, तो हो गए इनके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या बन जाएंगे ये माइनस। तो इस तरह से आप एक बार सोच लिया करो, अब पहले से ये भाई साहब प्लस थे, इनके ऊपर एक माइनस आ गया, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको रेजोनेंस के बाद आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये कहानी, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस चीज के, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे दिया, पहले बताइए क्या ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। हाँ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कैसे, ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया प्लस चार्ज, लेकिन क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, देखना ध्यान से, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दो तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नहीं, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अब देखो रेजोनेंस कहाँ होता, जब ये डबल सिंगल प्लस होता, अब ये डबल सिंगल सिंगल प्लस है, तो ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं,
तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं। तो रेजोनेंस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। कैसे होगा रेजोनेंस? जस्ट यहाँ से इस तरह से कर्ड है, जैसे ये पाई वन भाई साहब, अब देखो ये था इस तरीके से, तो ये चला जाएगा इसके पास इस तरीके से। तो इस तरह से हमने एरो से शो कर दिया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड से शो करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया आपका ये, अब यहाँ चला गया ये इसके ऊपर प्लस। तो ये क्या हो जाएगा इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो पहले सिग्मा स्केलेटन बना लो। सिग्मा स्केलेटन आपने बना लिया, अब देखो पाई वन कभी यहाँ प्रेजेंट है कभी इस पोजीशन पे, यानी पाई वन आपका इस तरीके से घूम रहा है यहाँ पे। अच्छा, प्लस चार्ज कभी यहाँ कभी यहाँ, अब देख लो ज़्यादा डाइल्यूशन हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए काम होगा। यानी कभी प्लस चार्ज यहाँ पे है कभी प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके से था, तो जिधर डिफिशियंसी उधर ये पाई वन मूव कर गया खट से। तो इस एटम में पहले भी इधर एक बॉन्ड था, ऐसे मूव किया तब भी, तो इसीलिए अनअफेक्टेड था। इसका इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, उधर उठ के गया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलके हो गया न्यूट्रल। इसीलिए यहाँ पे आपको इस स्टेट में कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रही। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। ये आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ओनली रियल स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक दो एक एग्जाम्पल लास्ट और देख लेते हैं बेंजाइल कार्बो कैटायन का। ठीक है, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेंजाइल कार्बो कैटायन का। बेंजाइल कार्बो कैटायन का मतलब ऐसा कार्बो कैटायन जो बेंजीन रिंग से क्या हो लगा हुआ हो। तो ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे बेंजाइल कार्बो कैटायन। इसका नाम क्या है इनका? इनका नाम है बेंजाइल कार्बो कैटायन, ऐसा कार्बो कैटायन जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ। पहले चेक करना होगा आपको कि क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो देखो डबल फिर सिंगल फिर प्लस चार्ज। लेकिन अगर यहीं पे कोई ऐसा सिस्टम बन जाता तो देखो यहाँ पे ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता? नहीं, डबल सिंगल सिंगल प्लस चार्ज, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाते हैं, इसका नाम लिख लीजिए पहले आप बेंजाइल कार्बो कैटायन। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कैसे इसका रेजोनेंस बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा, ये इस तरीके से है तो ये आपका इस तरीके से मूव कर जाएगा। बार बार अब इस तरीके से नहीं समझाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा तभी जल्दी से हो पाएगा। तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से मूव कर गया तो ये इधर बना, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? देखो ये जो पहले आपके रिमेन्स अनअफेक्टेड उसको पहले बना लो, तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सी एच टू। अब बताओ ये पाई बॉन्ड था इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट कर गया तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जिसके पास से मूव किया उसके पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? और रेजोनेंस हो सकता है क्या? देखो और रेजोनेंस हो जाएगा, जरूर थोड़ी एक ही बार हो गया रुक जाएगा। देखो कैसे, अभी भी क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल प्लस चार्ज, देख रहे हो यहाँ पे डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर से रेजोनेंस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार रेजोनेंस होगा मॉलिक्यूल में, बहुत बार रेजोनेंस हो सकता है। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर इधर से भी तो है डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो भाई साहब अगर आप वो कर दो फिर से यहीं पहुंच जाओगे तो हर बार नई पॉसिबिलिटी सोचोगे ना, पुराना स्ट्रक्चर बना के क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो इस तरीके से रेजोनेंस करवा दो। अगर इस तरीके से आप रेजोनेंस करवा दोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? देखो यहाँ पे ये, तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से उठ कैसे चला जाएगा, तो यहाँ पे, यहाँ पे ये था आपका स्ट्रक्चर सी एच टू और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब बताओ क्या अभी और रेजोनेंस हो सकता है कैसे स्ट्रक्चर में? हाँ, एक बार और रेजोनेंस हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, अब देखो डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर से जो वाला पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करा दो, इस तरह से शिफ्ट करा दोगे तो देखो एक बार और रेजोनेंस हो जाएगा। एक बार और कैसे, जो रिमेन अनअफेक्टेड उसको पहले सी एच टू ये इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या अभी एक बार और रेजोनेंस हो सकता है क्या? हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस एक बार और हो जाएगा। अच्छा, ये रेजोनेंस और ये रेजोनेंस सेम नहीं है, ध्यान से देखना, बनाने के बाद समझ में आएगा, एक बार बना के चेक कर लो अगर डाउट हो रहा है। ये डबल यहाँ पे, ये डबल यहाँ पे, ये डबल यहाँ पे, और ये आ जाएगा सी एच टू प्लस, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, उसके बगल वाले एटम प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर यहाँ से ये वाला काम कर देते तो यही बन जाता, लेकिन ये काम यहाँ से करने के बाद इससे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जा रही है ना, इसीलिए मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर सेम
नहीं है आपका। तो अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो आपको, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर है आपकी इस तरह से, ऊपर है CH2। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से घूम रहा है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ से लेते हुए इस तरीके से पूरा क्या कर रहा है आपका, सर्कुलेट कर रहा है इस तरीके से। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, कभी यहाँ पे है, कभी इस पोजीशन पे आ रहा है, कभी इस पोजीशन पे आ रहा है, कभी इस पोजीशन पे आ रहा है। आप ध्यान से देखो इन वाले पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड सॉरी प्लस चार्ज नहीं आ रहा, इसलिए हमें कभी इस और इस पोजीशन पे प्लस चार्ज नहीं शो किया। तो इस मॉलिक्यूल का ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। तो हमको लगता है आपका कि इसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बनाना है। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ये प्लस चार्ज कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1, 2, 3, 4, चार एटम पे प्लस चार्ज यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजोनेंस बनाइए और बताइए कि प्लस चार्ज कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे चार एटम पे क्या है प्लस चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके अब आप देखते हैं नेक्स्ट तरह का, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको बहुत आराम से पढ़ना है आपको क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगा तो बाद में कभी मैकेनिज्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो रेजोनेंस पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना है, भले टाइम लगे लेकिन आराम से सीखना है इसको आपको, ठीक है। सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज वाला। जैसे एक एग्जाम्पल ले देखो, जैसे CH2 CH, और यहाँ पर लगा देते हैं CH2-। पिछले केस में क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस चार्ज था, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस चार्ज लगा दिया। तो अब एक बात बताओ, अब क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना ले, ये नेगेटिव चार्ज इधर इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये बॉन्ड को क्या होना होगा, इस तरह से शिफ्ट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, देखो ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव थे, इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके पास और प्रेजेंट थे, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन के पास, टोटल पांच हो जाएंगे, इसीलिए इसके पास हो जाएगा नेगेटिव। देखो एक बार समझ लो फिर से, जिसको दिक्कत लग रही हो एक बार अच्छे से यहाँ पे समझ लो। जैसे देखो ये था CH, हमने बोला था इनके पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इनकी चार वैलेंसी अभी पूरी होती, एक इलेक्ट्रॉन और होगा इनके पास तभी तो इनके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से उठ के यहाँ चले जाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये इस तरह से बॉन्ड बनने जाएगा। अगर इस तरीके से बॉन्ड बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एच था, तो अब इस कार्बन को जाएंगे पाँच बॉन्ड, और कार्बन तो पाँच बॉन्ड कोई बना नहीं सकता, तो अगर यहाँ से इधर अगर बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो इस वाले बॉन्ड को क्या करना होगा, मूव करना ही होगा, तभी जाके ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो मैंने एक आपको रफ आइडिया दी थी कि मैंने वहाँ पे ऐसे बनाया तो इसको मूव क्यों कराया, क्योंकि जब इधर से इधर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर भेजेंगे तब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये बॉन्ड भी इस तरह से बरकरार रखा आपने तो वहाँ पे इस बीच वाले कार्बन की पांच वैलेंसी हो जाएगी, जो हो जाएगी दिक्कत। तो इस वजह से इस पाई बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने लॉजिक दे दिया आपको, अब आओ इसका ड्रॉ करते हैं एक बार, मॉडल कैसे होगा देखो। एक बार क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या था CH2-। हमने आपको लॉजिक दे दिया कि ये बॉन्ड होगा इधर, तो इस तरह से इसको होता होगा इनको शिफ्ट, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी उनकी, CH2 यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा CH, इधर से ये बना लेंगे डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या हो गई, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब बात आती है रियल हाइब्रिड कैसा होगा, तो पहले इसका सिग्मा स्केलेटन बना लो CH2, यहाँ पे CH, फिर बना लो CH2। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, कभी इधर प्रेजेंट है, कभी इधर प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कभी इनके पास है, कभी इनके पास, यानी कभी इधर नेगेटिव चार्ज, कभी इधर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बहुत आसान है, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे लगाओ बगल वाले पाई बॉन्ड को दूसरे पे शिफ्ट कर दो, ऐसे आया ये इधर चला गया। प्लस चार्ज में क्या था, प्लस चार्ज में अगर यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे CH2 प्लस था, ये CH, ये हटा दो एक बार CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा था, तो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर जा रहा था, तो इसके वजह से इस बार प्लस आ जा रहा था और इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाती, यहाँ पे ये अटैक किया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर भी समझते चलना है तभी हो भी पाएगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तब इसको हम समझते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
जैसे इस मॉलिक्यूल का बनाइए एक बार आप, इस मॉलिक्यूल का एक बार आप यहाँ पे रेजोनेंस बनाइए, ठीक है, ये हो गया। एक बार और हम बनाते हैं इस मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल का, या इससे अच्छा एक पहले ये क्वेश्चन कर देते हैं, एक एक करके सोचेंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के एक बार हम सोचते हैं फिर देखते हैं। चलो मतलब यहाँ पे इसका बताइए आप, क्या पहले ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पहले तो यही चेक करना होगा आपको कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है। तो आप देखो ये कैसा है, निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल, तो यही एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है सेकंड टाइप का, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, सिंगल सिंगल फिर डबल, या इधर जाओगे तो सिंगल सिंगल फिर डबल, तो ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं, यानी यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस आपका हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं आपके पास, ये एक कॉन्जुगेटेड आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगी, इधर चल जाओ इधर चल जाओ, बात बराबर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर आपने इधर पाई बॉन्ड को, इधर ये इलेक्ट्रॉन अटैक किया, ये पाई बॉन्ड को इस तरह से क्या होना होगा, शिफ्ट होना होगा, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगी, देखिए जरा सा, ये इस तरह से है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगी ये निगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा इस तरह से, ये डबल वाला यहाँ पे पहले से बना हुआ है। हमेशा तीन एटम के बीच में ही सोचना है, ये और ये इन्वॉल्व थे, यही तीन एटम इन्वॉल्व थे, तो इसने इस तरह से अटैक किया, तो ये वाला पाई बॉन्ड हो गया इसके ऊपर शिफ्ट, ये निगेटिव। अब क्या इसके अंदर फिर से रेजोनेंस हो सकता है, अब ये मत बोलना कि ये वाला स्टेप होके ये हो जाएगा, क्योंकि तो पहला ही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये इस तरह से अटैक करे और ये वाला पाई बॉन्ड हो जाए इस तरह से शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास केसेस, ये हो जाएंगे आपके इस तरीके से, ये डबल, ये इधर, और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हो जाएगा। क्या और रेजोनेंस हो सकता है क्या यहाँ पे, देखो जब भी आप रेजोनेंस करा लो और देखो कि वो किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं करना चाहिए, जब तक मैच नहीं करेगा तब तक रेजोनेंस होता ही रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इसका एक बार और रेजोनेंस बन सकता है, कैसे, ये बॉन्ड इधर अटैक करे और ये इधर से शिफ्ट हो जाए, तो देखो कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बीच वाला तो अनअफेक्टेड था, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक बार और बन जाएगा इसका रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, कैसे, ये इधर से अटैक करो और ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और हो सकता है, देखो तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर में कैसा बन जाएगा, यहाँ यहाँ और नेगेटिव चार्ज। अगर अब आपने कोशिश की, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला इसके जैसा आपको दिख रहा है, तो अगर आप फर्दर बनाओगे तो आपका यही वाला बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपने इसका फर्दर रेजोनेंस किया, जैसे मान लो आपने इधर से अटैक किया और इस तरह में बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आपका ये हो जाएगा इस तरह से करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये और ये तो सेम हो जाएगा, इसीलिए हम इसके आगे नहीं प्रोसीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसके आगे आपने रेजोनेंस बनाने की कोशिश की, तो आप ये रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर इससे मैच खा जाएगी, तो यानी यहाँ पे इसकी टोटल ये पांच रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसकी क्या हो जाएंगी, यहीं पे हम रुक जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे फिर शो नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो तो इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएंगी, पांच रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी। अच्छा, इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे, ये आपका था डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कभी यहाँ पे भी, हर जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी आपका हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे हाँ हर जगह डबल बॉन्ड इस तरह से क्या है आपका सर्कुलेट हो रहा है। और नेगेटिव चार्जिंग क्या है, नेगेटिव चार्जिंग पांचवें एटम पे है, देखो वहाँ पे भी, कभी यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हर जगह पे क्या है इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह का इससे ये जो सिस्टम हमने यहाँ पे लिया था, ये आपके पास एक एरोमेटिक सिस्टम था, एरोमेटिक सिस्टम इसीलिए हाईली स्टेबल सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं सभी पे इसने क्या कर दिया, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, क्या हो गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर चीज़ें मिल जाएंगी, तो झगड़ा की कोई बात ही नहीं होगी, यानी वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाईली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये सिस्टम हाईली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, यानी ये आपका एक एरोमेटिक सिस्टम है,
वैसे तो एरोमेटिसिटी निकालना हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मान लें अगर ये एरोमेटिक सिस्टम है तो ये हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि आप अगर इसका रेजोनेंस ड्रॉ करते हो तो आप देखते हो हर एटम पे क्या होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और जहाँ पे इक्वलिटी होगी वहाँ पे आपका वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर एक मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करना और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे कितने एटम्स पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसमें आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इस सिस्टम में कितने एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज पहुँचेगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो टोटल कितने एटम पे नेगेटिव चार्ज का सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप अपने से एक बार ट्राई करके कॉमेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने तीसरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ। तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है हमारे पास, तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब दो इस तरह से हो जाएगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बगल में क्या लगा हुआ है NH। ठीक है, डबल बॉन्ड CH जिसके बगल में लगा हुआ है NH2। एक सेकेंड, ठीक है, आपको दिख रहा है ये CH2 डबल बॉन्ड CH जिसके बगल में क्या लगा हुआ है NH2। तो ये एकदम नेगेटिव चार्ज की जैसा ही है, ये क्या करेगा लोन पेयर इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये अटैक करेगा मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, जैसे नेगेटिव चार्ज जो कहानी था वही यहाँ पे भी होगा। कैसे होगा कि ये जैसे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इसने इधर भेज देगा, जब इधर एक लोन पेयर भेज देगा तो इधर आपका बॉन्ड बनने लगेगा, जब इधर बॉन्ड बनने लगेगा तो इस बीच वाले एटम की हो जाएगी पांच वैलेंसी तो हो नहीं सकती कार्बन की, तो ऑब्वियस ही बात है इस एटम को फिर इस तरीके से क्या करना होगा, बॉन्ड्स को शिफ्ट करना ही होगा। तो ये कहानी थी, तो हम वो पीछे समझ चुके हैं इसलिए अब यहाँ पे नहीं उसको दोबारा लिखेंगे। तो ये लोन पेयर था, लोन पेयर इस तरह से अटैक करेगा और ये हो जाएगा शिफ्ट। तो यहाँ पे आपका बन क्या जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज। N पे प्लस क्यों आया, क्योंकि इनके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या आ जाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज। इसके पास पहले तो खुद का इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्टिंग से आ गया तो उसके पास हो गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वैसे तो अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर मैं फिर भी अभी पूछ दूँ आपसे लॉजिकली सोचने के लिए कि आप बताइए ये स्ट्रक्चर स्टेबल है या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। मैंने यही बताया था कि कोई भी सिस्टम अपने ऊपर चार्ज रखना ही नहीं चाहता, कोई भी सिस्टम अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता, सब लोग न्यूट्रल स्टेट में ही रहना चाहते हैं। आप पहले ये सिस्टम आराम से न्यूट्रल स्टेट में था, आपने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, हुआ तो रेजोनेंस लेकिन इसकी स्टेबिलिटी हो गई है खराब, पहले ज़्यादा स्टेबल था अब क्या हो चुका है कम स्टेबल। इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे कि इस जब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना, देखोगे कि ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। रीजन हमको अभी से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तो हमको टॉपिक को लिंक करना आना चाहिए, हम पढ़ अभी रहे हैं बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन उनकी लिंकिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए तभी जाके अच्छा कॉन्सेप्ट जेई लेवल का बन पाता है। चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखिए, एक दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये सिमिलर है इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये देखो OH लगा देते हैं, एल्कोहल लगा देते हैं। अब बताओ यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये सिस्टम कैसे हो जाएगा, देखो ये सिस्टम कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से करेगा अटैक और इस तरह से हो जाएगी इसकी शिफ्टिंग। ठीक है, ये प्रीवियस के जैसा ही है आपका, तो इसमें कैसे बन जाएगा, देखो सी एच टू यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड, ये मेरे को इधर एरो शो कर देना चाहिए, ये इस तरह, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के काम आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा। चल ठीक है, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं अपना, तो हमने देख लिया आपका कौन कौन सा सिस्टम देख लिया,
डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, ये भी आपका प्रीवियस सिस्टम जैसा ही है, ज़्यादा इसमें कुछ करने लायक नहीं है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे आप एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए इसको बना सकते हो। इसका मैं आंसर कॉमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी लिंब। अब आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिंब, NH2 के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं, NH2, फिनॉल, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, OH, यहाँ पर भी इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जैसे एक मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप उसको बना सकते हो। जैसे ये एनिलीन है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस तरह से एनिलीन, उसका फिनॉल। तो ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो रेजोनेंस में है क्या, तो ये इस तरह से इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो पहले चेंज नहीं है उनको उस तरह से बना लीजिए आप। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा एन एच टू, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार। अब ये नेगेटिव सिंगल डबल वाला केस है, तो फिर से यहाँ पे इस तरीके से करते हुए आप रेजोनेंस आगे बना सकते हो। तो ये हिंट दे दिया, आप प्रैक्टिस के लिए इसका और इसका बना सकते हैं, ये आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की ओर, फोर्थ सिस्टम की, ठीक है, फोर्थ सिस्टम की तरफ चलते हैं। फोर्थ सिस्टम हमने क्या लिख रखा था, फोर्थ सिस्टम से हमने लिख रखा था आपका डबल सिंगल फ्री रेडिकल वाला सिस्टम, ठीक है। तो चौथे तरफ चलते हैं जिसमें हमको पढ़ना है डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ये क्या है यहाँ पे, ये है आपका फ्री रेडिकल। जैसे इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होता है, जरा आप ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे मान लो इस तरह का है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे बन गया आपका सी एच टू फ्री रेडिकल, इस तरीके से हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये बॉन्ड बना कैसे होगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कब बना होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ठीक है, इन दोनों आपस में कंबाइन किए होंगे तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, ये दोनों आपस में कंबाइन करके इधर बॉन्ड बनाए होंगे। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार इधर ये डबल बॉन्ड बनाए। जैसे देखो इस तरीके का केस समझो, ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये सी एच टू, यहाँ पे है ये फ्री रेडिकल, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे तो हमको दिख गया कि ये दोनों बॉन्ड बना लिए, इधर इधर डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है हमेशा इधर ही बने, इधर बन जाए तो जैसे मान लो अब इसका मन हो गया इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, इधर फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी इसको मैं अगर सही से बना दूँ तो ये डबल बॉन्ड इधर बन गया, आपका फ्री रेडिकल इधर आ गया। इसको हम किस तरह से शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं इस तरह से, अगर हम आपका फुल हेडेड एरो बनाते हैं इस तरह से, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे हमने क्या बनाया इस तरह से, देखो सिंगलेट इस तरह से बना रखा है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, केवल ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना है। अगर देखो ये चीज समझ लो ध्यान से, अगर कहीं पे इस तरीके से बनाया जा रहा है, मान लो कोई एटम एक्स है, ये मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने किस एरो शो किया, हाफ हेडेड एरो से शो किया, इसका मतलब ये सब आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, मैंने आपको उसका पहले ही मतलब समझा दिया कि इधर इधर इस दोनों के पास इलेक्ट्रॉन थे, पहले इधर बॉन्ड पे बनाए हुए थे बॉन्ड, जरूरी थोड़ी है वैसा इधर ही बनाए, इसके साथ बना लेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको नोट कर लें जल्दी से। अब आप देखते हैं इसी के ऊपर एक दो और क्वेश्चन जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस इस पर हो जाएगी, एक दो पॉइंट इसके ऊपर और देखते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लें, चलो ये बेंजीन वाला ही लेते हैं, जनरली हमको ऐसे ही एग्जांपल से डर लगता है, तो हम पहले इसी को समझेंगे, डर को ही खत्म कर देंगे। चलो देखो ये है आपका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है इसका रेजोनेंस बनाना है आपको। अब बताओ जैसे ये है तो ये डबल बॉन्ड कैसे बना होगा, जब इन भाई साहब के और इन भाई साहब के इलेक्ट्रॉन ऐसे आपस में कंबाइन किए होंगे तब ये बना होगा, तो जरूरी थोड़ी है हमेशा यही बना। अब ये दोनों का मन हो गया आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच टू, जो चेंज नहीं हुआ उसको पहले इस तरीके से, फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। बोलो सिंपल है, पहले बॉन्ड आपका यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ था, तो मन हो गया इन दोनों का बॉन्ड बनाने का,
इधर बना लिए, उधर आ गया फ्री रेडिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड था तो ये दोनों बना ले आपस में बॉन्ड, अगर इधर ऐसे बॉन्ड बन जाए तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरह से फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट स्टेप में पॉसिबिलिटी है इधर ये वाला और इस तरह से दो बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये दोनों अगर पाई बॉन्ड बना ले, अगर ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे तो इधर इधर ऊपर है आपका सी एच टू, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से फ्री रेडिकल। लास्ट स्टेप में क्या हो सकता है, लास्ट स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों से बना हुआ, तो ये दोनों अगर आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी कुछ आपकी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से आपका ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। आसान सा है ये फ्री रेडिकल वाला भी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो डबल बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज करो, हमेशा आगे वाले एटम से बॉन्ड बनाते चलो, जैसे इसका बनाया इधर बन गया, फिर इस पे मत सोचो, फिर इससे सोच लो, यहाँ बना फिर इससे सोच लो, इस तरह से आगे बढ़ते चलो, ऑटोमेटिकली आपको फ्लो में बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका फोर्थ टाइप का सिस्टम। अब चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप के सिस्टम के ऊपर, आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अपने फिफ्थ टाइप के सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ टाइप के सिस्टम के ऊपर। फिफ्थ टाइप का सिस्टम क्या है हमारे पास, डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। ये भी हमसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डबल सिंगल डबल, मैंने पहले ही बोला है रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घबरा के इसको आपको नहीं पढ़ना है, आराम से ही पढ़ते रहना है इसको, और कोशिश करनी है कि जितनी प्रैक्टिस हो सके रेजोनेंस पे कर लेना, क्योंकि रेजोनेंस पे आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका आगे केमिस्ट्री में मैकेनिज्म उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कई बार क्लास ट्वेल्थ में हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रेजोनेंस बनाने ही नहीं आ रहा है, जब किसी को बनाने ही नहीं आएगा तो आप कैसे मैकेनिज्म लिख लोगे, क्योंकि आगे चल के यही होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से आपस में अटैक करेंगे, हर जगह यही सब शो होगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको आप अच्छे से सीख लो, टाइम लगाओ लेकिन सीख लो अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का अपना सिस्टम हम चलते हैं, फिफ्थ टाइप का होगा ये सर, जिसमें क्या हो जाएगा, डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। देखो इसमें किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी आपकी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1,3-butadiene का, इस सिस्टम में एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा ही सिस्टम है क्या, डबल सिंगल डबल, तो इसमें किस तरह से हो जाएगा, अब आप चीज़ों को समझ लो, ये पाई बॉन्ड करेगा इधर शिफ्ट, इस वाले पाई बॉन्ड को इधर करना होगा शिफ्ट, ताकि ये वाले कार्बन की वैलेंसी इस तरह से मेंटेन रहे। तो इसमें कुछ इस तरह से होगा, ये पाई बॉन्ड होंगे इधर शिफ्ट, जिसकी वजह से होना होगा इस वाले पाई बॉन्ड को भी इस तरह शिफ्ट। अगर ऐसा हो जाएगा तो बताइए किस तरह का सिस्टम आपके सामने क्रिएट हो जाएगा, सी एच यहाँ पे हो चुका है सी एच टू, इसका बॉन्ड शिफ्ट किया गया, इससे बॉन्ड आपने खींच लिया, तो इसीलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, बीच में बन जाएंगे डबल बॉन्ड सी एच, और इसका बॉन्ड इसका इसका भी इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा सी एच टू माइनस चार्ज, ठीक है। ध्यान से समझो, ये पाई बॉन्ड उठा के आपने ऐसे शिफ्ट किया, तो ये बॉन्ड उठ के इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो गया। तो देखो इसका इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसकी वजह से आ गया निगेटिव चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ और इधर से इसको एक इलेक्ट्रॉन खट से आके फिर से मिल गया, इसके लिए तो बात बराबर हो गई, इसीलिए बीच वाले एटम्स में कोई भी चार्ज नहीं आया, इसमें लॉस्ट इस कार्बन का हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसीलिए इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान सोचोगे ये इस तरीके से, तो नेक्स्ट वाले को मूवमेंट करना होगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा के इसको शिफ्ट नहीं करोगे तो देखोगे बीच वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, पाँच बॉन्ड हो जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो किसी ने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पर प्लस, किसी ने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो अब बीच वाले कार्बन का देखो, यहाँ पे पांच बॉन्ड बन गया, क्या कार्बन पांच बॉन्ड बना सकता है, नहीं। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस वाले बॉन्ड की भी क्या कराने भी शिफ्ट, तो जो हमने करा दिया तो ये दोनों एक साथ ही करा देना, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान है, डबल सिंगल डबल वाला आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 1,3-butadiene होता है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसके ऊपर।
एक एग्जांपल इसके ऊपर और देखते हैं। चलो इसमें बताना जरा सा आप पहले इसका रेजोनेंस सोचो, इसका रेजोनेंस क्या होगा। पहले तो आपको ये सोचना है कि क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है। देखो डबल सिंगल, यहाँ डबल होता तब ना कॉन्जुगेटेड होता, ये तो डबल सिंगल सिंगल डबल है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है। अच्छा चलो इस सिस्टम के बारे में क्या कहिएगा, देखो इसको क्या बोलोगे, ये अब आपके पास क्या हो जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो इसमें किस तरह से रेजोनेंस होगा। अगर मैं इसमें बनाऊँ रेजोनेंस तो इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बना देता हूँ ताकि अभी आपको दिक्कत ना हो, पूरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में CH2 इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर लिखा था, ये स्ट्रक्चर यही था, देख लो मैच कर लो इस, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर था ठीक है। तो कैसे इसमें होगा, ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट तो इसको होना होगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ CH2+, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH- फिर ये जो बाकी बचेगी इस तरह से हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड अगर इस तरह शिफ्ट करेगा तो इस तरह से प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या इसमें और रेजोनेंस हो सकता है क्या, हाँ देखो एक बार और हो जाएगा, कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक बार और कॉन्जुगेटेड आ गया नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये इस तरह से अटैक और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट, तो एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे इनकी CH2+ CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल की आपकी ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे ठीक है, तीनों इसके क्या हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे ठीक है। तो मेरे को लगता है ये एग्जांपल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ तक तो हमने पिछला वाला केस समझा, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल वाला केस लग जाएगा, इसीलिए एक बार क्या हो जाएगी और रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा केस आपका डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला। अब आप नेक्स्ट अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे हम चलते हैं, पॉजिटिव सिंगल और फिर उसके पास है लोन पेयर, जो हमने नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख रखा है, क्या लिख रखा है हमने, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर एक ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है लोन पेयर। एक्चुअल में ये है हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है जिसके बगल में एक ऐसा एटम लगा है जिसके पास क्या है लोन पेयर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये देखो CH2+ हमने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से क्या मान लो OH ठीक है। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, ये इस तरह से अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा ताकि इस कार्बन की क्या हो जाए डिफिशियंसी फुलफिल हो जाए। तो इसमें किस तरह से काम हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है। मेरे को लग रहा है ये समझ में आया होगा, ये कैसे हमने बनाया है, अगर जिसको ना आ रहा हो एक बार देख लो, यहाँ पे CH2 ये OH था, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे तो इसने अपना डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसका यहाँ चला गया तो इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज और ये दोनों बना लिए बॉन्ड। तो इस तरीके से वही हमने वहाँ पे शो कर दिया ठीक है, तो ये हमने ये इशू किया, ये हो जाएगा। अच्छा देखो और भी ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, देखो आप बना सकते हो इसी में CH2+ इसके बगल में लगा दो अमोनिया NH, तो इस टाइप से लगा दो, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी लोन पेयर है तो सेम यही काम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कैसे बना देगा ये CH2 डबल बॉन्ड NH2, इस पे आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और हम अभी जब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का सिस्टम क्या हो रहा था, हाईली स्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास डिफिशियंसी थी और बगल में ही तुरंत एक ऐसा एटम मिल गया जो उसके खटाक से क्या कर दे रहा है डिफिशियंसी को पूरा कर दे रहा है, और अगर इसकी कोई डिफिशियंसी को पूरा कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डाइल्यूशन ऑफ चार्ज पे। उसके पास डिफिशियंसी थी, बगल वाला एटम तुरंत उसकी डिफिशियंसी को फुलफिल कर दे रहा है, इसका मतलब कि ये इस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसी पे देख लो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं,
ये OH है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और एक बार और एक सिस्टम है आपके पास जिसमें यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये OH, हम एक ही रखते हैं, एक ही डबल बॉन्ड रखते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ये एक कार्बोकैटायन है और ये एक कार्बोकैटायन है, आपको बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें देखते हैं, इसमें रेजोनेंस बनाना चाहोगे, रेजोनेंस किस तरह से होगा, देखो डबल बॉन्ड सिंगल फिर प्लस चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो आपने इसका रेजोनेंस इस तरह से बनाया, इसका रेजोनेंस आप बनाओगे तो क्या देखोगे आप, इसका रेजोनेंस अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा, ये किसका से पॉजिटिव सिंगल डबल वाला केस है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहोगे तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा रेजोनेंस, ये इस तरह से हो जाएगा रेजोनेंस, तो यहाँ पे किस तरह से केसेस बनेंगे देखो आप, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा इस तरीके से, देख लीजिए ध्यान से, ये बॉन्ड अगर इस तरह शिफ्ट कराओगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से रेजोनेंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये कैसा केस है, पॉजिटिव चार्ज जस्ट ऐसे ग्रुप के बगल में जिसके पास क्या है लोन पेयर है, तो यहाँ पे फिर से एक बार रेजोनेंस हो जाएगा, तो यानी इस वाले मॉलिक्यूल में केवल एक बार रेजोनेंस हुआ, इस वाले मॉलिक्यूल में दो बार रेजोनेंस हो जा रहा है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इस वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। तो ये सब एप्लीकेशन ही है रेजोनेंस के जो हम बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने फिर भी अभी यहाँ पे पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये एग्जांपल मुझे आपको कराना चाहिए जिससे आपको पता चले कि रेजोनेंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा आपका सिक्स केस था, आइए अपने लास्ट केस की तरफ चलते हैं जो बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आपने इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ रखा होगा कि बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इस टाइप से ये हम पढ़ते हैं। तो लास्ट केस हमारा ये है कि जब निगेटिव चार्ज आपका सिंगल और क्या प्रेजेंट हो आपका वेकेंट डी ऑर्बिट, ये हमारे पास लास्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम बचता है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के थ्रू वेकेंट ऑर्बिटल से कनेक्टेड है। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपका, क्वेश्चन ये है कि CH2- है, ये कनेक्टेड है फ्लोरीन एटम से, और CH2- है, ये कनेक्टेड है क्लोरीन एटम से। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो जनरली लोग किसके ऊपर सोचते हैं, लोग सोचते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे इसका फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए था, जो आंसर हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, CH2- F शुड बी ग्रेटर देन CH2- Cl, ये एक एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्चुअल देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि CH2- Cl इज ग्रेटर देन CH2- F, ये हम देखते हैं। तो अब हमें यही समझना है कि ऐसा इस मॉलिक्यूल में क्या हो जा रहा है कि बावजूद इसके कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इस वाले मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है, जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस आपका ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है इन कंपेरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट के। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, यहाँ कैसे एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज़। देखो हम केवल इसी को बताते हैं, देखो ये है आपका CH2-, ये है आपका कार्बन का ऑर्बिटल, इसके अंदर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज प्रेजेंट है, बगल में है क्लोरीन का एटम, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास इस तरह से प्रेजेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कार्बन है, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बगल में क्या है, इसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और अगर किसी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है
तो अब आप देखो क्या ये दोनों यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बड़े आराम से बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्योंकि बॉन्ड बनता कैसे है, एक ऑर्बिटल जो फुल फिल्ड हो और सामने वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो, एम्प्टी हो, तो उसके बीच में क्या हो रहा था, बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, इधर ये एम्प्टी है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आसानी से बॉन्ड बन सकता है। तो यानी यहाँ पे इसके बाद सिचुएशन क्या आ जाएगी, इसके बाद सिचुएशन ये आ जाएगी कि CH2 डबल बॉन्ड CN और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज, हाँ सॉरी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, CH2 - F, और ये केस क्या था आपका, CH2 - Cl वाला केस था। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि यहाँ पे केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, माइनस आई ओनली, क्योंकि क्लोरीन के पास तो कोई वेकेंट डी नहीं है कि ये वाला आई को काम कर पाए, लेकिन क्लोरीन के पास आपका वेकेंट डी मौजूद है जिसके वजह से ये वाला काम हो जा रहा है। तो माइनस आई भी है, ऊपर से इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस भी हो जा रहा है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। तो आपका किसके स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है इस वाले केस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ माइनस आई भी काम कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इस तरह से आपके बॉन्डिंग मिल रहा है। इस चीज़ को हम बैक बॉन्डिंग के नाम से भी क्या होता है, समझते हैं, जानते हैं। तो ये हम एक केमिकल बॉन्डिंग में बहुत फेमस क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आज हमने यहाँ पे ले लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जैसे मान लो ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस चार्ज है इस तरीके से, ठीक है, ऑक्सीजन करके प्लस चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर करके इस तरह से हम क्या कर देते हैं, सल्फर लगा के प्लस चार्ज कर देते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे कि किस पर्टिकुलर केस में आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका जो केसेस है, यहाँ पे भी वो सेम केस ऑपरेट तो कर रहा है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अच्छा यहाँ पे हम नेगेटिव कर देते हैं, ये तब क्वेश्चन सेट होगा। हाँ अब बताना है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये इन दोनों कंपाउंड में आपको स्टेबिलिटी को समझाना है। तो आप बताओ, अब ऑक्सीजन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है कि ये यहाँ से बैक बॉन्डिंग कर सके, लेकिन यहाँ पे सल्फर के पास क्या होंगे, सल्फर के पास इस तरह से वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी इस तरह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहाँ की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इस वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरह के छोटे मोटे एप्लीकेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप का होता है और उसमें रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।